नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा, शर्मा एलसीडी टीवी सर्विस रांची से आज आप लोग के लिए एक फॉल्ट फाइंडिंग पे मैं लेकर आ रहा हूँ। इससे आप लोगों को ये प्रॉब्लम फाइंडिंग में बहुत आसानी होगी, जो सोनी में प्रॉब्लम आता है, नो पिक्चर, बैकलाइट ऑन, नो पिक्चर। आप मुश्किल से 5 मिनट में ये फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आज आप देखिए, मॉडल नंबर ये है, इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है। देखिए बैकलाइट जल रहा है, ठीक है, मगर डिस्प्ले नहीं है, पावर निकल गया। देखिए सबसे आसान तरीका है फॉल्ट फाइंडिंग पकड़ने का, इसमें जो एलवीडीएस कनेक्शन, जो एलवीडीएस केबल जो लगा हुआ है, इसमें आपको 10 पेयर चेक करना है। 10 पेयर आप कैसे चेक करेंगे? ये मीटर का कंटिन्यूटी लीजिए, कंटिन्यूटी में रखकर आप यहाँ पे आइए, ये देखिए 1 पेयर मीटर में दिखाइए, वन पेयर 100 से 150 के बीच में होना चाहिए, 120 ओम्स है। 2 पेयर, 3, 4, ये ज़्यादा बढ़ा हुआ, और आगे बढ़ते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 12 पेयर का ये पैनल है, ठीक है, फुल एचडी पैनल है। तो ये टोटल 12 पेयर में हम कंटिन्यूटी मिला लेते हैं, सभी पैनल में लगभग, सभी पेयर में लगभग ठीक मिला, एक को छोड़ के। इसमें देखिए करीब 157 के आसपास मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसमें आपको चेक क्या करना है, इसमें चेक करना, ये कॉयल है, ये एलवीडीएस वायर जो है, इसमें सॉकेट में कनेक्ट होने के बाद ये कॉयल के थ्रू आईसी से कनेक्ट होता है। तो आपको ये कॉयल को चेक करना है, कंटिन्यूटी कॉयल का पे मिलाना है आपको। देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, अब दूसरा में हम लोग आ जाते हैं, आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये कॉइल दिया है, इसको चेक कर लेते हैं, अभी कंटिन्यूटी हम लोग को सारा सही मिल रहा है, तो पिक्चर आ जाना चाहिए। हमको लगता है ये लूज वूज होगा, आप लगाइए तो यार है ना, बोले ना पिक्चर आ जाना चाहिए, लेकिन इससे तो हम लोग काम नहीं चलेगा, इसका हम लोग को सुधारना है। अभी चला गया है ना, ऑफ कीजिए वहाँ।
इससे एक बार हम चेक करते हैं कटर की जलाइए। देखिए है ना, 1 देखिए ये रेजिस्टेंस सब बढ़ गया है ना, यहाँ पे मीटर में दिखाइए बढ़ गया ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे 100 से 150 बताना चाहिए था, ये देखिए ठीक है, ये ज़्यादा हो गया ठीक है ना, ये भी ज़्यादा हो गया देखिए, ये ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बढ़ने का, ये जो बढ़ गया है रजिस्ट्रेशन को हमारा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो जम्पर है ना क्वाइल, इस क्वाइल को ही चेक करते हैं। तो क्वाइल चेक करने का प्रोसेस ये है कि ये यहाँ पे टेस्ट पॉइंट में रखते हैं और यहाँ पे आप कनेक्ट करके देखिए ठीक है आ रहा है ना, फिर दूसरा वाला पॉइंट में देख लीजिए, इसमें भी आ रहा है ठीक है, यानी कि क्या है ये हमको LVDS चेक करना है ठीक है। तो LVDS चेक करने के लिए तो आप पहले इसको खोलिए, चेक करते हैं ना, अभी भी जम कंटिन्यूटी कम ही बता रहा है, क्या करते हैं यहाँ से वो चेक कर लेते हैं। LVDS है क्या ना ठीक है, तो
देख रहे हैं कि कभी कभी क्या हो रहा है कि पिक्चर एक आध बार आ भी जा रहा है, ठीक है, तो क्यों आ जा रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है ना कि ये कॉयल कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, इसके वजह से पिक्चर आ जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम पिक्चर गायब है। तो फिर से एक बार अब इसका कंटिन्यूटी मिला लेते हैं, पेयर चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 देखिए है ना, इसमें 500 से 600 ओम्स के बीच में बता रहा है। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि ये कॉयल को चेक करना है, तो आप कॉयल को देखिए चेक करते हैं इसका, ये कॉयल का कंटिन्यूटी देखिए कहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, आप कॉयल के बाद चेक कीजिए, इसमें आ गया। अब इसका पेयर का दूसरा वाला पॉइंट में लाइए, देखिए कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है ना। अब तो इस कॉयल को हम लोग चेक करते हैं, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, जबकि हमको कॉयल में कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, जैसे ये मिल रहा है, तो इस ये पॉइंट में आपका ओपन हो गया, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, करते रहिएगा। हेलो, लीजिए, क्या कीजिएगा, अभी मत स्टार्ट कीजिए, चलिए करिए, तो ये कॉयल ओपन था जिसे हमने जोड़ लिया। अब यहाँ हम लोग कंटिन्यूटी मिलाते हैं, कितना नंबर था ये वाला, ये ठीक है, देखिए आ गया है ना 120 ओम्स, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं वीडियो, चलिए आ गया सोनी, ये हम लोग का बिल्कुल लाइव फॉल्ट फाइंडिंग रहा है ना, क्लियर है, तो ये बिल्कुल ही लाइव फॉल्ट फाइंडिंग हम लोगों ने किया है, ठीक है जी, जी सर। तो ये सोनी के टीवी में दिखाइए, ये सोनी के किसी भी मॉडल में नो वीडियो का फॉल्ट फाइंडिंग खोजने का सबसे आसान तरीका है, कम से कम समय में आप फॉल्ट कर सकते हैं।